नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्ण प्रताप। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। कैसे हैं आप, पहले आप अपना परिचय करिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लक्ष्मी नारायण चौधरी, मेरी जन्मस्थली नंदगाम बरसाना के पास सांचौली ग्राम में है। मेरा जन्म 22 जुलाई 1951 को हुआ। मैंने 6 किलोमीटर पैदल चल के जाना और 6 किलोमीटर पैदल चल के आना। तब मैंने जूनियर हाई स्कूल पास किया था। इंटरमीडिएट मेरे एक क्षेत्र का कॉलेज है, हिंदू इंटर कॉलेज, वहाँ से किया। मैंने बीए की परीक्षा बीएसए कॉलेज मथुरा से की। एमए की परीक्षा मैंने पॉलिटिकल साइंस के आर कॉलेज से की और एलएलबी की परीक्षा मैंने फिर बीएसए कॉलेज से की। 1977 में मैं जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर बना। 1977 में ही मैं आईटीआई संस्थान मथुरा वृंदावन का चेयरमैन बना। 1977 में ही मैं कोसी कला मंडी समिति का चेयरमैन बन गया था। इन तीनों पदों पर मैं कांग्रेस जब 1980 में दोबारा से आ गई तब मैं इन पदों से हटा। तब तक मैं इन पदों पर रहा। फिर मैंने वकालत की और वकालत करने के बाद 1985 में मैं पहली बार छाता क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य बना। इसके बाद लंबा राजनीतिक संघर्ष रहा। 96 में मैं दोबारा विधायक बना और विधायक बनने के बाद मैं 1997 में माननीय कल्याण सिंह जी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बना। उस समय मेरे पास उद्यान विभाग था। फिर आदरणीय राम प्रकाश गुप्ता जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो मेरे पास कारागार विभाग था। फिर माननीय राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने तब भी मेरे पास कारागार विभाग था। 2007 में मैं उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री के रूप में मुझे विभाग देखने का मौका मिला। टेक्निकल एजुकेशन भी 11 महीने मुझे देखने का मौका मिला था, लेकिन कृषि विभाग निरंतर 2012 तक मेरे पास रहा। उस समय मेरा ये सौभाग्य रहा, एक उत्तर प्रदेश जहां 12वें और 13वें नंबर पर आया करता था, धान और गेहूं में 7वें और 8वें नंबर पर आता था, तो 2011 में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन के लिए चुना गया, जिसमें मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से दिया गया। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 मार्च 2019 को पुनः सरकार बनने पे मुझे संस्कृति विभाग, धर्मार्थ, ये अल्पसंख्यक विभाग, हज वक्फ का दायित्व मिला। इसके बाद फिर मुझे पशुधन, डेयरी और मत्स्य विभाग का दायित्व मिला, जिसे मैं आज तक योगी जी के नेतृत्व में पूरा कर रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण चौधरी का एक अद्भुत ही परिचय है। इसमें अब तक का जो संघर्ष है, कौन साथी रहा, कौन मोटिवेटर रहा? देखिए, मेरे पिताजी मथुरा जिले से लेके भरतपुर जिले से लेके तत्कालीन गुड़गांव जिला था। उस समय फरीदाबाद और पलवल जिले नहीं थे, मेवात जिला भी नहीं था। अलवर तक मेरे पिताजी सामाजिक पंचायत के रूप में बड़े प्रसिद्ध थे। सामाजिक रूप में प्रसिद्ध होने के कारण उनका संबंध श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह से बहुत था।
चौधरी चरण सिंह ने ही मुझे जनता पार्टी के राज आने पे मुझे जो कोऑपरेटिव बैंक का या आईटीआई का या मंडी समिति का मैं नॉमिनेट किया वो उन्हीं की कृपा से मैं हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ उसमें श्रद्धेय गायत्री देवी यहाँ से चुनाव लड़ी लोकदल से, मानवेंद्र सिंह जी विजयी हुए और गायत्री देवी सबसे ज़्यादा वोटों से छाता क्षेत्र से हारी थी, लगभग 38,600 वोट से। वहाँ जो तत्कालीन जो विधायक थे चंदन सिंह जी, उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया, उन्हीं को टिकट दिया गया था लोकदल से। मैंने तो मेरे कुछ साथियों ने, वैसे ही मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे कुछ साथियों ने आपस में हमने चंदा करके मैंने पर्चा दाखिल कर दिया और बाद में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने बुला के मुझे टिकट दिया लोकदल का। कुछ जातीय समीकरण ऐसे थे पहले से, मात्र एक बार वहाँ जाट जाति से एक हमारे खानदानी एमएलए बने थे, बाकी वहाँ ज़्यादातर ठाकुर बिरादरी के एमएलए बने थे, ज़्यादातर नहीं बने ही शत। इसलिए कभी कोई जाट टिकट भी नहीं मांगता था। मुझे चौधरी साहब ने, चूँकि मेरे पिताजी एक सामाजिक थे, वो हर समाज की पंचायत किया करते थे, चाहे बाल्मीक हो, चाहे जाटव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, सभी की पंचायत किया करते थे। पिताजी पे किसी प्रकार का जातवाद का दाग नहीं था, इसलिए सभी जातियों ने मुझे प्रथम बार 1985 में जब टिकट मिला तो सभी ने मुझे चुन दिया। तो इस नाते से ये कहा जाता था उस समय हमारे पिताजी के लिए, रतिराम सरपंच जिसको भी सपोर्ट कर देते हैं वही एमएलए बन जाता है, तो उनकी इतनी लोकप्रियता थी, उनकी लोकप्रियता के कारण मुझे टिकट दिया गया और उनकी लोकप्रियता के कारण, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण समाज ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। मंत्री जी, अखिलेश यादव का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो अयोध्या का नाम बदल देंगे, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक भारतीय संस्कृति का विषय है। भगवान राम की वजह से, भगवान कृष्ण की वजह से भारत को जाना जाता है। ये वाल्मीकि रामायण से लेके आज तक कम से कम 100,000 रामायण लिखी गई हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे। अब उनके पिताजी ने रामलला की पूजा करने के ऊपर, मंदिर बनवाने के ऊपर, सरजू को लाल करने की बात कही, परिंदा पर नहीं मारेगा, सरजू का पानी लाल हो गया। अब यदि उन्हें कभी मौका मिले और वो यदि अयोध्या का नाम बदले तो ये बहुत ताज्जुब तो नहीं है, लेकिन भगवान राम के यहाँ तो न्याय है, इसलिए शायद उनको जीवन में ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। बात मंदिर की, बात जैसे ही इलेक्शन आते हैं तैसे मंदिर का मुद्दा उठ जाता है, अब मुद्दा क्या है? नहीं, मंदिर का मुद्दा कहाँ उठता है, इसलिए बात मैं बात जब संस्कृति डिपार्टमेंट और धर्मार्थ मेरे पास थे तो मैं महीने में कम से कम 2 बार अयोध्या जाता था। वहाँ सभी मीडिया वाले भाई हमसे कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मैं उस समय बड़ा साफ शब्दों में ये कहा करता था, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े संत हैं, उनके पत्रा में जिस दिन शुभ मुहूर्त निकलेगा उसी दिन राम मंदिर की बुनियाद रख दी जाएगी। जिस दिन उनके पत्रा में शुभ मुहूर्त निकला उसी दिन राम मंदिर की बुनियाद रख गई। तो ये चुनाव के टाइम पर नहीं, देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है, ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पूरे संसार में न तो आज तक इतना लंबा कोई मुकदमा चला जितना राम मंदिर का मुकदमा चला, पूरे संसार में न इतना किसी धार्मिक स्थल के ऊपर लोग श्रद्धालु शहीद हुए जितना राम मंदिर पर शहीद हुए, लाखों व्यक्ति शहीद हुए राम मंदिर पर।
तो राम मंदिर एक ऐसा विषय है कि जो आदि और अनादि, ये जब से सृष्टि बनी है तब से राम हैं और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक राम रहेंगे। तो ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, विपक्ष की राजनीति क्यों कर देता है। देखिए ऐसा है, यहाँ हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म की संस्कृति से अलग के लोग राजनीति कर रहे थे, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई। मुझे जब अल्पसंख्यक विभाग देखने का मौका मिला तो यहाँ 20,000 मदरसे से ऊपर उत्तर प्रदेश में थे। मैंने जांच करवाई, उस समय किसी मदरसे में 26 जनवरी का झंडा नहीं फहराया जाता था, 15 अगस्त का झंडा नहीं फहराया जाता था, कभी दिवाली की छुट्टी नहीं होती थी, कभी होली की छुट्टी नहीं होती थी। मैंने ये कंपलसरी किया, वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, 26 जनवरी को ये जो नहीं फहराएगा उसकी हम मान्यता कैंसिल करेंगे, जो 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराएगा उसकी मान्यता हम कैंसिल करेंगे। 20,000 मदरसों की जब मैंने जांच कराई तो उसमें 4,000 मदरसे तो ऐसे थे जो धरती पर थे ही नहीं, 16,000 मदरसे रह गए। उन 16,000 मदरसों में भी जो मदरसे के प्रबंधक समिति होती थी उसमें ये था कि एक व्यक्ति एक मदरसे में चपरासी, दूसरे में अध्यापक, तीसरे में प्रबंधक, इस तरह से एक ही परिवार के 8-8 मदरसों में सब लोग वही थे जो 8 मदरसों से तनख्वाह लेते थे। मैंने फिर ये कर दिया कि सीधे सीधे अध्यापकों के खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया। तो जिन अध्यापकों को 5,000 रुपये दे के रखा जाता था और उनका वेतन होता था 20,000 रुपये, तो उनको वेतन मिलना शुरू हो गया। ये तुष्टीकरण की जो नीति थी ये विपक्ष ने अपनाई, कांग्रेस ने भी अपनाई, ये सपा ने भी अपनाई, तो और यदि मैं ये कहूँ तो ये बसपा ने भी नीति अपनाई। केवल जो भी सबका साथ सबका विकास, बसपा पे आरोप लगाना बहुत ही संगीन क्योंकि आप उससे बिलोंग करके भी आए हुए। देखिए ऐसा है, आदरणीय मुलायम सिंह जी भी मेरे साथ राजनीति में रहे हैं, मेरे दल में रहे हैं, मेरे साथ विधायक रहे हैं। मैं किसी की आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूँ, आपने सवाल किया एक विपक्ष ये बात कहता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, उन लोगों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, ना कोई आक्षेप लगा रहा, लेकिन आप बताइए मुझे एक भारत, देखिए पूरे संसार में केवल भारत एक ऐसा देश है जिसको भारत माता कहा जाता है, अमेरिका को पिता माता नहीं कहा जाता, किसी भी देश को संसार में माता और पिता नहीं कहा जाता, केवल भारत को भारत माता कहा जाता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यदि भारत से माता शब्द हटा दिया जाए तो भारत एक जमीन का टुकड़ा है। तो भारत माता हमारी योग भूमि है, तपोस्थली है, इसलिए जो व्यक्ति भगवान राम को भी ये कह सकते हैं, अयोध्या को भी ये कह सकते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया कि वो भारतीय संस्कृति को नहीं मानते, और जो अपने आप में दम्भ भरते हैं कृष्णवंशी होने का, यदि वो इस तरह की बातें कहें तो बड़े ताज्जुब की बात ये होती है, फिर पता नहीं उनका DNA टेस्ट कराना पड़ेगा। मंत्री जी आपने विपक्ष की बात करी, तो अभी नीट के पेपर आउट हुए हैं उस पर विपक्ष ही सवाल उठा रहा है कानून व्यवस्था पर, उस पर आप क्या कहेंगे? आज तक ऐसा डिसीजन नहीं हुआ, तत्काल वो पकड़े गए, उन पे गैंगस्टर, NSA, संपत्ति जब्त, सारी कार्रवाई। आज तक कभी ऐसी कार्रवाई हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं हुई पेपर आउट होने पर, जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है। विपक्ष कह रहा है ऐसी नौबत ही क्यों आई? देखिए ऐसा है, अपराध सतयुग में हिरण्यकश्यप रहे, त्रेता में रावण रहे, द्वापर में कंस रहे, अपराध हमेशा हर युग में रहा है। देखना ये होता है कि जो सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति है
वो अपराधी को संरक्षण देता है, अपराध को संरक्षण देता है, या अपराध को समाप्त करने के लिए अपराधी को दंड देता है। तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी हमारे यहाँ बसों में आग लगाई जाती थी, थाने फूके जाते थे, आदरणीय योगी जी ने कानून बना दिया कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा वो उसी की संपत्ति से वसूल कर लिया जाएगा। तो अपराध तो हर युग में रहे हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं एक हमारी जो नीति है, हमारी जो नियत है, आदरणीय योगी जी की नीति और नियत अपराध को समाप्त करने की है, अपराध को नियंत्रण करने की है। मंत्री जी, चलिए ये तो बात हो गई विपक्ष की और बाकी चीजों की, लेकिन अभी तक आप अपने मतलब विधानसभा में ऐसा क्या क्या कार्य किए हैं जिसे जनता आपको मतलब सराहे? देखिए, विकास के लिए छह चीजें आवश्यक है। नंबर एक, वर्तमान युग में सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युत, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, इस कानून व्यवस्था, रोजगार, ये छह चीज विकास के लिए आवश्यक है। इन छह चीजों में प्रथम मैं आता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क पे। मेरे क्षेत्र का एक सिंगल गांव भी ऐसा नहीं है जो कम से कम तीन तरफ से सड़कों से न जुड़ा हो, बाकी अधिकांश गांव चारों तरफ से सड़कों से जुड़े हुए हैं। ये सड़कों की स्थिति है, सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। इसके अलावा ज्यादातर सड़कें ऐसी हैं जो डबल लेन बनी हुई हैं। दूसरे नंबर यदि सड़कों से मैं आगे चलता हूँ, मैं यदि ये भी कह दूँ, एक अनेक गांव ऐसे हैं एक जहाँ खेतों पे भी जाने के लिए किसान को सड़क और खरंजा मिलता है। जहाँ विद्युत का सवाल है, मैं जब उत्तर प्रदेश में 1997 में मंत्री बना, तब मैंने एक ही साथ 12 33 के भी सब स्टेशन बनवाए थे। आज मेरे क्षेत्र में लगभग 16-33 के भी सब स्टेशन है। इसके अलावा बड़े विद्युत ग्रह, मेरे यहाँ 3 बड़े विद्युत ग्रह हैं, जिनमें 432 भी है, जिनमें 120 भी है, ये सारे बड़े विद्युत ग्रह मेरे यहाँ है। पहले से ही प्रत्येक गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ 250 केवी के ट्रांसफार्मर न हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ मोहल्ले वाइज ना हो, एक एक गांव में 20-20 ट्रांसफार्मर 250-250 के और 100-100 के मेरे यहाँ लगे हुए हैं। विद्युत की तरफ से मैंने पूरा आच्छादित कर रखा है। इसके अलावा यदि मैं शिक्षा पे आऊं, तो मेरे यहाँ आज वर्तमान में 4-4 यूनिवर्सिटी हैं मेरे क्षेत्र में, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, शिक्षा के बारे में मेरे डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, कहीं भी छात्रों को 4-6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना पड़ता। शिक्षा के बारे में गवर्नमेंट ITI है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, मॉडर्न इंटर कॉलेज हैं सरकार के, और ये सारे कॉलेज मेरे क्षेत्र में बने हुए हैं। शिक्षा की तरफ से मेरा क्षेत्र तरफ। स्वास्थ्य की बात यदि मैं करूं, तो ईश्वर की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, क्योंकि मेरा क्षेत्र नंदगांव बरसाना सब धार्मिक क्षेत्र है, सबसे कम यदि कोरोना का प्रभाव हुआ मेरे क्षेत्र में हुआ। मैंने अपने क्षेत्र की CHC PHC पर कोसी कला में मैंने ऑक्सीजन प्लांट अपनी विधायक निधि से लगवाया। कोसी कला अकेला एक ऐसा नगर है जहां मथुरा के और वृंदावन के अलावा सबसे पहले हमने कोविड सेंटर प्राइवेट सेक्टर के उससे बनवाया।
स्वास्थ्य की ही मेरे यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं, किसी ही प्रकार की कोई वो नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ हमने वहाँ जो मेरे क्षेत्र में गाय हैं, बड़े स्तर पे गाय पालन होता है, वहाँ पशुओं के अस्पताल भी हमने बनवाए हैं, जिनमें पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, बिजली के बारे में, सड़क के बारे में। अब इससे आगे आता है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में नंबर एक। आप हरियाणा में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ के व्यक्ति एक ही बात कहते हैं, योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में एक साल के लिए हमारे प्रदेश में भेज दो ना। कानून व्यवस्था ऐसी है, और ख़ास तौर से एक ईश्वर की कृपा ये है कि मेरे क्षेत्र में मुझे 36 साल हो गए, 36 साल पहले विधानसभा में मुझे जनता के आशीर्वाद से भेजा गया। मेरे क्षेत्र में कभी कोई भी किसी से चौथ वसूली, कोई किसी से गुंडागिर्दी के बल पे धन उपार्जन, इस तरह का कभी काम कोई मेरे क्षेत्र में आज तक नहीं हुआ। तो कानून व्यवस्था के लिए जहाँ बहन बेटी की बात होती है, बहन बेटी के सम्मान की बात होती है, मैं मानता हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि अपराध हर युग में हुए हैं, लेकिन तत्काल उसका निवारण और उसका नियंत्रण किया जाता है। रही रोजगार की बात, रोजगार के बारे में चूँकि उत्तर प्रदेश में पहले कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी लचर थी, इसलिए यहाँ उद्योग धंधे नहीं आ पा रहे थे। मैं भी जब किसी से कहता था तो एक ही बात कहता था, दिन में अपने बच्चों की सुरक्षा करें या फैक्ट्री चलाएं। आज योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था जब सुधरी है, तो मैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये बात कह सकता हूँ, कोसी कला जैसे छोटे से कस्बे में 814 करोड़ रुपए की लागत से पेप्सी को कंपनी लगी है, जिसमें 60,000 टन आलू प्रतिवर्ष की खपत है, 60,000 टन। अब और भी फैक्ट्री मेरे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फैक्ट्री आई हैं, उससे हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिला है, नौजवान को रोजगार मिला है। मैंने सरकारी क्षेत्र में भी जहाँ कहीं संभव हो सकता है वहाँ अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश की है, इसलिए बेरोजगारी भी दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास मैंने ज़्यादा से ज़्यादा किया। मंत्री जी, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए तो मतलब लोगों की शिकायतें तो अभी भी बनी है, इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद रोजगार को लेकर उनकी अभी भी व्यवस्था, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद अभी उनकी शिकायतें लगातार हैं कि बेरोजगारी है, फैल रही है, युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पे क्या कारण हो सकता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ एक कभी भी कोई सरकार दुनिया की समस्त नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये एक सार्वभौमिक तथ्य है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें दो बातें होती हैं, जो मेहनती ही छात्र हैं उनको 5,00,000 भर्ती हुई है, और ऐसी भर्ती ही हिंदुस्तान में हर जगह उसका उदाहरण दिया जाता है कि आज तक किसी की चाय भी खर्च नहीं हुई, निष्पक्ष भर्ती होती है, बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी भी घोटाले के हमारी भर्तियां हुई हैं। दूसरे नंबर में यदि ये कहूँ इस पे, क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी इस दौरान कई सौ छात्र पुलिस में गए हैं, कई सौ छात्र मिलिट्री में गए हैं, कई सौ छात्र अध्यापक बने हैं, लेकिन सब इतने संतुष्ट हैं कि कभी उनको वो नहीं हुआ। दूसरा नंबर यह है कि हमारी सरकार ने अपने निजी उद्योग लगाने के लिए जो व्यवस्था की है, बैंकों से लोन की सरलीकरण की व्यवस्था की है, या मत्स्य पालन की है, या डेयरी जगत में की है, या कुक्कुट पालन में की है। आज उत्तर प्रदेश चूंकि धार्मिक प्रदेश है, यहाँ भगवान राम और भगवान कृष्ण
जन्मभूमि है। जितने भी हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, कोई महापुरुष ऐसा नहीं जो उत्तर प्रदेश में जिसकी तपोस्थली न रही हो, सबकी रही है। इसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में सफलता प्राप्त करने के बाद पशुधन विभाग अलग से केंद्र में स्थापित किए और उसमें नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का नारा दिया मत्स्य पालन का। हमें ये सौभाग्य है, एक पहली ही बार मुझे, मेरे पास वो विभाग था, पहली ही बार भारतवर्ष में प्रथम नंबर उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन में मिला। आज जिस क्षेत्र में गांव का तालाब भी किराए पर नहीं दिया जाता था पट्टे पे, आज वहाँ एक ही गांव में 25-25 तालाब खुले हैं। एक तालाब में, एक एकड़ के एक तालाब में कम से कम 250-300 आदमियों को रोजगार मिलता है, मत्स्य पालन से लेके मत्स्य बिक्री तक। और उस परिवार के लोग लगते हैं, उनसे संबंधित लोग लगते हैं, ट्रांसपोर्ट के लोग लगते हैं, जो उनका मछलियों का खाना होता है उसकी फैक्ट्रियां होती हैं। यदि इस तरह से देखा जाए तो एक एकड़ के उसमें 250 आदमियों को रोजगार मिलता है। तो हमने अपने जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको हमने उस तरफ भी मोड़ा है बेरोजगारी दूर करने के लिए। और जब तक हम स्वयं आत्मनिर्भर बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, वो आत्मनिर्भर देश तभी बन सकता है जब हम औषधीय खेती करेंगे, फूलों की खेती करेंगे, जब हम मत्स्य पालन करेंगे, कुक्कुट पालन करेंगे। इस तरह से इस हमने काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की है, हमारी सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की है, स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। जो अभी हमारा पशुधन विभाग का 2 दिवसीय मेला रहा, उसमें स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं थी जो आज रोजगार से लगी हैं। तो इस मायने में भी हमने कदम आगे बढ़ाया। मंत्री, अब सवाल है विपक्ष का, छोटे दलों के साथ गठबंधन क्या बीजेपी के लिए चुनौती है? देखिए, गठबंधन की राजनीति को तो जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। 2019 में उत्तर प्रदेश में इन्हीं सब लोगों ने गठबंधन किया और तमाम घबरा रहे थे, ये कह रहे थे कि यदि जातीय समीकरण देखा जाए तो यादव प्लस मुस्लिम प्लस जाटव प्लस जाट, ये सारे वो किए जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? इसके बावजूद ये हुआ कि उसमें भी हम 62 सीट हम जीते, 2 हमारे सहयोगी जीते, 64 सीट हम 80 में से जीते, और मात्र राजीव गांधी जी को भी हार के दक्षिण में शरण लेनी पड़ी। तो इसलिए इन जातीय समीकरण या छोटे छोटे विपक्षी दलों के बनाने से कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आज के दिन मोदी जी और योगी जी की इतनी लोकप्रियता है, सरकार की इतनी कार्यकुशलता है। हम पहला प्रस्ताव योगी जी के नेतृत्व में करते हैं कि 36,000 करोड़ किसानों का माफ़ किया जाएगा। सपा सरकार पहला प्रस्ताव कैबिनेट में करती है शपथ लेने के बाद, एक लखनऊ में जिन्होंने बम विस्फोट किया उन आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा, ये जनता जानती है। एक सवाल है पश्चिमी बेल्ट से उठता है कि अगर अखिलेश यादव लोक दल से अगर गठबंधन करते हैं तो आपकी जाति पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, आदरणीय मोदी जी ने जातीय की राजनीति तो समाप्त कर दी, अब तो राष्ट्रीयता की राजनीति है। तो लोकदल अभी भी जातीय कार्ड खेलने के पीछे नहीं, ये लोग जो विपक्षी हैं इन्होंने ही तो जातीय कार्ड खेला था, तभी तो लोकदल के सब नेता हार गए। अब जनता जातीय राजनीति से ऊब चुकी है, परिवारवाद और जातीय राजनीति से जनता हट के अब विकास और राष्ट्रीयता की राजनीति करती है। बीजेपी इस बार यूपी में कितनी सीटें लाएगी? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सोचता भी नहीं था 325 सीट आ जाएंगी। अब के लोकप्रियता और सरकार की कार्यकुशलता इतनी बढ़ी है
कि आदरणीय योगी जी को पहली जितनी हमारी सीटें आई उससे चाहे एक ज्यादा मिले लेकिन उससे ज्यादा सीट मिलेगी। एक लास्ट सवाल और आखिरी सवाल है, क्या आप इस बार स्वयं चुनाव लड़ेंगे या किसी को लड़ेंगे? हाँ, नहीं नहीं, देखिए पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करूंगा, लेकिन मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा ये मैं नेताओं को बता चुका हूँ। अच्छा, आपका लड़ा। खैर, इस विशेष बातचीत में आज हमारे साथ कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे। अपना कीमती समय देने के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद।